जी बच्चे, आज का हमारा मौजू है तलखीस निगारी। 11वीं जमात के पेपर में जो सबसे आखिरी सवाल है तलखीस का, वो लाजमी पेपर में आता है और इसकी कोई चॉइस कोई कुछ नहीं। तलखीस का मतलब होता है मुख्तसर करना, तलखीस का मतलब होता है खुलासा, तीसरा हिस्सा समझने। पेपर में आपको एग्जामिनर एक पैराग्राफ देगा और इस पैराग्राफ को आपने मुकम्मल पेपर पर उतारने की बजाय इसके आप शुरू के तीन चार अल्फाज लिख लें, उसके बाद डॉट्स लगा लें और फिर आखिर के तीन चार अल्फाज लिख लें अपनी आंसर शीट के ऊपर। या दूसरा तरीका, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ये सारा पैराग्राफ जो है पूरे का पूरा आप अपने आंसर शीट के ऊपर लिख सकते हैं। ये देखने में बहुत आसान सा सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल काम ये होता है कि आपने इन लंबी चौड़ी बढ़ी हुई बातों को मुख्तसर करके लिखना होता है और कोई ऐसी बात ना रह जाए जो इसमें बहुत अहम हो और हमारी मुख्तसर बात में ना लिखी जाए, या कोई ऐसी बात ना हो जो इसमें बहुत ज्यादा इसमें बार बार आ रही हो और आप इसको बार बार लिख दें तब इसका कोई फायदा नहीं। इसका हल ये होता है कि बहुत तसल्ली से बहुत सुकून के साथ आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लें। जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये पैराग्राफ इस मौजू पर बयान किया गया, इस्लामी मौजू है या सियासी मौजू है, माशरती मौजू है या फिर माशी मौजू है, कोई भी है। फिर आप उसको तसल्ली से एक बार फिर पढ़ें और यह देख के पढ़ें कि कौन कौन से अल्फाज जरूरत से जायद है, यानी कि एक बजोला हम ऐसे ले लेते हैं कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन, ये एक ही नाम है, ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा क्योंकि नाम आ गया है। मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन 11 अगस्त 1947 को बरतानिया से हिंदुस्तान पहुंचे तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अब ये जुमला है ये देखें, ये हमारे पास इजाफी है। उसके बाद खत्मा, इसी मंसूबे को आगे लेकर चलते हुए मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन ये नाम दोबारा आ गया। अब हमें एक नाम को दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं, मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन दोबारा नाम आ गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी के कागजात पर दस्तखत किए, ये बात ठीक है, ठीक है जी। इस तरह पाकिस्तान जुमेरा और जुमे की दरमियानी शब सकता मामूली ठहराओ, 27 रमजान मुबारक सकता 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नशे पर नमूदार हो गया। अब ये हमारा पैराग्राफ मुकम्मल। जब हमने कोई पैराग्राफ लिखना होता है और पैराग्राफ की हेडिंग देनी होती है तो फिर हम पैराग्राफ लिखकर आगे तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। ये अलामत जाहिर करती है कि अब इस बात के बाद कोई लंबी चौड़ी बात आने वाली है। अभी भी आप में इसकी तलखीस बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी, फिर एक बार इसको तसल्ली से पढ़ें और फिर ये देखें कि इसमें मजीद कौन कौन से अल्फाज जरूरत से जायद हैं और कौन कौन से अल्फाज हम काट सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि फिर आप इसको आसानी के साथ आसानी के लिए एक बार इसकी गिनती कर लें, ये अल्फाज इतने। तलखीस का मतलब होता है 1/3, तीसरा हिस्सा आपने तलखीस लिखनी होती है। अगर ये अल्फाज मिसाल के तौर पर 100 है तो फिर आपने 33 की तलखीस बनानी है, 5 अल्फाज या 4 अल्फाज कम ज्यादा हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं। या अगर 50 अल्फाज है तो आपने तीसरे हिस्से में 17 लफ्जों के अंदर तलखीस करनी है, 1-2 अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं इसका। अब मिसाल के तौर पर हम इस लफ्ज को गिन लेते हैं, इस पैराग्राफ को, तो हमारे पास ये तकरीबन अल्फाज बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नाम है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के नाम है 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, रमजान मुबारक 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये हमारे पास 70 अल्फाज बनते हैं। अब 70 अल्फाज को अगर हम तीन पर तकसीम करें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 23 का फिगर आ जाता है, और हमें तकरीबन 23, 24 या 21 अल्फाज के अंदर अंदर इन तमाम बातों को मुख्तसर करकर इसको निचोड़कर ये बात करनी है। जैसा कि हम ऊपर सारी बातें पढ़कर आ चुके हैं, एक बार फिर देख लें कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत उसका लॉर्ड माउंटबेटन 11 अगस्त 1947 को बरतानिया से हिंदुस्तान पहुंचे तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इसी मंसूबे को आगे लेकर चलते हुए मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी के कागजात पर दस्तखत किए। इस तरह पाकिस्तान जुमेरात जुमे की दिनानिशा 27 रमजान मुबारक 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नशे पर नमोदार हो गया। ये अल्फाज 70 थे। अब हमें इसको कम से कम 21, 22, 23, 24 अल्फाज के अंदर 25 बनाकर मुख्तसर करके लिख लें। अभी देखें 3 जून के मंसूबे के तहत मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचे, बरतानिया से हिंदुस्तान आए, पुरजोश इस्तकबाल किया गया, सारी बात हमने पढ़ ली। मुख्तसर बात, 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचे और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी के कागजात पर दस्तखत किए। मुख्तसर बात आगे, अब इसके अल्फाज गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अल्फाज। अब कोई बात इसकी ऐसी नहीं है जो इसमें हो और इसमें ना हो, या इसमें इजाफी हो और उसमें बिल्कुल ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा तरखीस का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसको आप तीसरे हिस्से में लिखना है, फिर इसके बाद आपको इसका अनुमान भी बनाना है। 2 नंबर की मार्किंग आपकी अनुमान में से है और 8 नंबर की मार्किंग आपकी तलखीस की है। टोटल आपके पास ये 10 नंबर का पेपर सवाल आता है। अब सारी बातें पढ़ लेने के बाद जो इंसान के दिमाग के अंदर क्या बात पैदा होती है कि इसका कोई अनुमान भी होना चाहिए, किसी अनुमान के तहत भी बातें चली होगी ना आगे, तो हमने अनुमान बनाना है खुद। अनुमान के बाद रापा गिरामल और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया। क्लियर है?